नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षांदेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। जय मां अन्नपूर्णा। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार मां पराम्बा ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु व महेश हैं। यही मां शक्ति स्वरूपा दुर्गा है व दुर्गा ही मां पार्वती है जो पराम्बा की पूर्णांश है। ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराकर मां ने महादेव की अर्धांगिनी बनकर प्रकृति व पुरुष की सत्ता को स्थापित किया। यही मां राम भी हैं और कृष्ण भी। महामनीषी सुत जी के अनुसार भगवती के महात्म्य का वर्णन पांच मुख वाले शंकर जी भी नहीं कर सके हैं। देवी महात्म्य के उत्तम आख्यान को सुनने और सुनाने वाले का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, देवी महिमा सुनने से व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर तक संचित पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मां जन्म देती है, अन्न देती है, बुद्धि देती है, विद्या देती है तथा धन व शक्ति भी देती है। इसीलिए भक्त कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने विविध रूपों में मां विविध नामों से जानी जाती हैं। शक्ति में श्रद्धा रखने वाले सेवकों को मां के काशी स्थित अन्नपूर्णा रूप की महिमा का आख्यान बता रहे हैं, जहां मां अन्नपूर्णा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अपने पूर्ण विग्रह के साथ विराजमान हो भक्तों को अन्न प्रदान करती हैं। जगत का भरण पोषण करने वाली महामाया मां अन्नपूर्णा से स्वयं सदाशिव महादेव ने भी भिक्षा का दान लिया है। आइए श्रवण करते हैं कि मां कैसे आई काशी में। एक बार जब भगवान शिव माता पार्वती सहित गगन विहार कर रहे थे, क्या देख रहे हो देवी? आपकी आज्ञा से ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित इस सृष्टि का अवलोकन कर रही हूँ स्वामी। सृष्टि का अवलोकन? शिव संगिनी, तुम तो शक्ति का अवतार हो। सारी सृष्टि के कण कण में शक्ति समाई हुई है, फिर अवलोकन कैसा? शक्ति का अवतार होते हुए भी मैं हिमवान पुत्री पार्वती हूँ स्वामी। आपकी लीलाओं से चकित एवं अभिभूत होती रहती हूँ मैं। स्वामी, इस समय मेरे मन में एक कामना जागृत हुई है। कामना करना तो उमा तुम जैसी कामिनी के लिए स्वाभाविक ही है। कहो उमा, संकोच न करो, कहो ना देवी, क्या कामना है? एक
अद्भुत नवीन सृष्टि के निर्माण की कामना, जिसे आप ही मूर्त रूप दे सकते हैं स्वामी। इस कामना के पीछे कोई विशेष उद्देश्य तो अवश्य रहा होगा देवी। ब्रह्मदेव द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में रहकर मुझे वह अनुभूति नहीं होती जो आप जैसे महान योगी को स्वामी के रूप में प्राप्त होने पर होनी चाहिए। हम तुम्हारी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगे पार्वती। हम एक ऐसे स्थल की रचना करेंगे जो ब्रह्मांड में होकर भी ब्रह्मांड से मुक्त हो, जो ब्रह्मा द्वारा रचित त्रिगुणात्मिका सृष्टि से बाहर हो, जो आकाश तथा भूमि दोनों पर अवस्थित हो। पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महेश्वर शिव अपना त्रिशूल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके उस पर ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग आनंद कानन की रचना करते हैं। ये आनंद कानन अद्भुत, आनंद प्रदायक, सुंदर तथा मनोहर था। पार्वती इसे देखते ही विमुग्ध हो जाती है। इस आनंद कानन का अन्य नाम था काशिका, अर्थात मुक्ति नगरी काशी। ये आनंद कानन है देवी, आओ तुम्हारी कामना की पूर्ति के लिए यह आनंद विहार करें। सचमुच अद्भुत है ये शिव निर्मित आनंद कानन। स्वामी, इस आनंद की अनुभूति शब्दों के लिए अगम्य है। यह परमानंद है देवी, ये उसी प्रकार का परमानंद है जो हमें ध्यान समाधि में प्राप्त होता है। आज उस परमानंद में तुम भी हमारी सहयोगिनी बन गई हो। ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है प्रभु। इस आनंद कानन को देखकर मेरे मन में एक भावना जाग उठी है। उसी भावना का प्रतिबिंब तुम्हारे मुखमंडल पर भी झलक रहा है देवी। हम जान गए हैं तुम्हारे मन में संसार के समस्त दुखी प्राणियों के लिए करुणा का संचार होने लगा है। तुम चाहती हो कि ये सच्चिदानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले संसार के हर प्राणी को प्राप्त हो। अर्थात मेरी यह प्रार्थना भी आप तक पहुंच चुकी स्वामी। हाँ देवी, तुम्हारी इस भावना के पीछे जन जन का कल्याण छिपा हुआ है जो हमें इष्ट है। सच पूछो देवी, तो आनंद कानन का निर्माण हमने जन जन के कल्याण के लिए ही किया है। तुम सारे जगत की माता जगदम्बा का रूप हो देवी, तुम्हारे मन में जन कल्याण की भावना होना स्वाभाविक है। तो अब ऐसा कुछ कीजिए प्रभु जिससे आपके सभी भक्तों को इस आनंद कानन से सच्चिदानंद प्राप्त हो। ऐसा ही होगा देवी। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमेश्वर? वेद पुरुष, आप अपने तपोबल युक्त निश्वास से अपौरुषीय वेदों को प्रकट करें। वेद इस समय सत्य लोक में है, पृथ्वी वासियों में कर्म उपासना तथा ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने के लिए आनंद कानन में वेदों का होना अति आवश्यक है। जैसी आपकी आज्ञा परमेश्वर।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति में लीन तपस्यारत विष्णु के शरीर से स्वेद बिंदु झरने लगते हैं। उन स्वेद बिंदुओं का प्रवाह विष्णु की तपस्या के साथ साथ बढ़ने लगता है तथा जल रूप ग्रहण करके सुदर्शन चक्र निर्मित गढ़े को आप्लावित करने लगता है। विष्णु के शरीर से निस्सृत वो पावन स्वेद जल भक्ति की ज्योति से जगमगाने लगता है। आनंद नगरी का सारा वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ऋग्वेदोहम, ओम नमः शिवाय, ओम यजुर्वेदोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम अग्नि मिले पुरोहितम् यज्ञस्य देव मृत्विजम् होतारम् रत्नधात्मम्। ओम सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् वही वीर्यज्यमानस्य पशून पाहि। साम वेदोहम्। अथर्व वेदोहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम अग्न आयाहि वीतये ग्रानो व्यदाते निहोता सत्सि बहर्षि। ओम त्रिशपतः परेयन्ति विश्वरूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अज्ञ दधि तुम्हें। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तुम चारों वेद सत्यलोक से आकर यहां प्रकट हुए, मैं धन्य हुआ। चारों वेदों को अपने सम्मुख प्रकट देखकर वेद पुरुष विष्णु हर्ष गदगद होते हैं तो इस आनंद कंपन से उनके कानों की एक मणि उस ब्रह्म कुंड में गिरकर उसे मणिकर्णिका नाम प्रदान करती है। तत्काल उस पावन जल में से एक अद्भुत दिव्य शिवलिंग प्रकट होता है। ये शिवलिंग श्री हरि विष्णु की शिव भक्ति की दिव्यता का उत्तम प्रमाण था। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, आप सच्चिदानंद प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप शिव शंकर, आपकी जय हो। आपकी जय हो। सदाशिव की भक्ति से विष्णु का समस्त अस्तित्व आप्लावित होने लगता है तथा आंखों से हर्षाश्रुओं की गंगा प्रवाहित होने लगती है। आनंदाश्रुओं की उस बाढ़ से आनंद कानन काशी ही नहीं सारी सृष्टि आप्लावित होने लगती है। शिव पार्वती वेद पुरुष विष्णु के इस भक्ति प्रवाह के प्रभाव को चकित होकर देखते हैं। इस जल प्लावन से शिव रचित आनंद कानन की रक्षा हेतु पार्वती शिव से प्रार्थना करती है। प्रभु, वेद पुरुष के अश्रु के प्रवाह से आनंद कानन अप्लावित होने लगा है, इसे डूबने से बचाइए। चिंता न करो देवी, शिव के संकेत से
काशी उस जल प्लावन से उबरने लगती है। आनंद कानन काशी को अविनश्वरता प्रदान करने तथा प्रलय काल में सृष्टि के जल प्लावन से सदा सदा के लिए मुक्त करने हेतु शिव उसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। शिव के त्रिशूल पर स्थित ब्रह्मा रचित सृष्टि से अलग काशी अविमुक्त नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। जय शिव शंकर। वेद पुरुष विष्णु, आपके कुंडलों की मणिकर्णिका की प्रभा से आलोकित ये दिव्य नगरी मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके हर्षाश्रु जल में ज्योति प्रकट होने से यह आलोकित नगरी काशिका अर्थात काशी के नाम से जानी जाएगी। आप स्वयं यहां समस्त वेदों सहित सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। देवादिदेव महादेव, अखंड तप करते हुए जो भी प्राणी काशी में आप दोनों की आराधना करेगा उसे हम चारों वेदों का ज्ञान सहज ही उपलब्ध होगा। इस काशी में जो व्यक्ति सदाचार पूर्वक आराधना करते हुए हमारा स्वाध्याय करेंगे उन्हें सरलता से हमारे तात्पर्य की प्राप्ति होगी। प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म के साक्षात्कार से ही प्राणी की मुक्ति संभव है। काशी में हमारी मंत्र शक्ति उसी सच्चिदानंद तत्व को प्रकाशित करेगी। आपकी आज्ञा से वेद पुरुष द्वारा प्रकट हम चारों वेद काशी को दिव्य ज्ञान भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। तथा आनंद कानन को काशी का गौरव प्रदान करने का उद्देश्य भी है। भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित यह पंचकोशी काशी सदा ही तीर्थों की मुकुटमणि रहेगी तथा प्रलय काल में प्रलय समुद्र में विलीन नहीं होगी। आपकी लीला अपार है गौरी शंकर। योगियों के ध्यान में रमण करने वाले वेद पुरुष विष्णु, आपका एक नाम रामपी होगा। जो व्यक्ति काशी में मरते समय राम नाम का उच्चारण करेगा वो भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। वेद भूमि काशी अविमुक्त नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। परंतु शिव शंकर, जब तक आप संयुक्त रूप से उमा महेश्वर इस काशी में निवास नहीं करेंगे ये काशी सुनी रहेगी। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी श्री। हम दोनों सदा सदा के लिए यहां निवास करने का वचन देते हैं। जो भी प्राणी काशी में देह त्याग करेगा हम उसे तारक मंत्र द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे ताकि उसके सम्मुख तेज युक्त ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो। काशी पावन सतपुरियों में प्रमुख होगी। जो भी प्राणी मुक्त नगरी काशी में अपने प्राण त्याग करेगा उसकी मुक्ति सुनिश्चित होगी। हे पार्वती परमेश्वर, काशी की इस पावन भूमि को दिव्यता प्रदान करने के लिए आप दोनों इस दिव्य शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करके काशी विश्वनाथ को प्रसिद्ध करें। तथास्तु। काशी विश्वनाथ की जय। और इस तरह भवानी दयानी महारानी शिवा शिव के साथ काशी में निवास कर भक्तों को सुख समृद्धि दे आधी दैविक और आधी भौतिक रूप से परिपूर्ण किया। मां और महादेव में ये सहमति हुई कि मैं
अपने भक्तों को जीते जी अन्न प्रदान कर इन्हें अभावों से मुक्त करूंगी और आप इनकी मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करेंगे। इस तरह मां अन्नपूर्णा कहलाई। नाना रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसद वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरा गुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुक्षय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रार्कानल भासमानल हरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। जो प्राणी मरणासन्न होता है उसके कान के पास अपना मुख ले जाकर उससे कहते हैं कि अपने कानों के पात्रों से राम नाम रूपी अभिराम अमृत का पान करो और बारंबार ब्रह्म रूप तारक का ध्यान करो। इस प्रकार का उपदेश देकर वे प्राणी को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मोक्ष प्रदा होने के कारण काशी का बड़ा भारी महत्व है। काशी का निर्माण करने के बाद में स्वयं राजराजेश्वरी जो काशी के अधिष्ठात्री देवता है वो अन्नपूर्णा रूप से विराजमान है और उससे भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम भी एक प्रतिज्ञा करो और मैं भी एक प्रतिज्ञा करूँ। क्या प्रभु क्या करूँ? का जीवते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम। जब तक प्राणी यहाँ पर जिंदा रहे तब तक तुम अन्न देते रहे और मरने के बाद में मैं मोक्ष दूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ऐसा कोई क्षेत्र दूसरा नहीं। आज भी माँ में श्रद्धा रखने वालों को भगवती अन्न प्रदान कर उनका जीवन आनंदमय बनाती हैं। तथा श्री काशी विश्वनाथ जी मरणोपरांत काशी में निवास करने वाले को तारक मंत्र दुर्गा के द्वारा मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीलिए काशी को मरणम शुभम कहा गया है। धरती पर एकमात्र स्थान जहां मरण भी शुभ है मंगलकारी है। मरते समय जो दारुण कष्ट होता है वो भी शिव कृपा से यहां सरल हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के संबंध में कहा गया है मार मार के प्राण निकाले बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर। पर काशी में आने वाला ऐसी करनी कर चलो मैं हंसूं जग रोए की तरह जाता है। धन्य है मां अन्नपूर्णा, धन्य है श्री विश्वनाथ जी और धन्य है शिव नगरी काशी। हर हर महादेव। पावन शिव का नाम है काशी जिनका धाम है। पावन शिव का नाम है काशी जिनका धाम है। विश्वनाथ दरबार को बारंबार प्रणाम है। विश्वनाथ दरबार को बारंबार प्रणाम है। चरण पखारे मान सरोवर करे आरती तारा अंबर। चरण पखारे मान सरोवर करे आरती तारा अंबर। वाराणसी ज्योति में मंदित किरणें छाई स्वर्ण शिखर पर। वाराणसी ज्योति में मंदित किरणें छाई स्वर्ण शिखर पर। सूर्य सहित जलधार को बारंबार प्रणाम है। गंगा चंद्राकार को बार
सती से पार्वती तक। प्रणाम माता। कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है नारद, किंतु आज यहाँ का मार्ग कैसे भूल पड़े? नारायण नारायण, जय शिव शंकर। मैं यहाँ का मार्ग कभी नहीं भूला माते। नारायण तथा शिव भक्ति मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। नारद, तुम्हारी शिव भक्ति तथा नारायण भक्ति जगत प्रसिद्ध है, किंतु ये भी तो सत्य है कि बिना किसी विशेष उद्देश्य के तुम कहीं आते जाते नहीं। मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ माते। आपका कथन नम्रता पूर्वक स्वीकार करना मेरे जीवन का परम धर्म है। एक बार महर्षि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा, माते आप महादेव से बहुत प्रेम करती हैं और महादेव भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। माँ पार्वती ने कहा, निस्संदेह नारद जी ऐसा ही है, पर माते क्या आपने गले में लटके मुंड मालाओं का रहस्य कभी महादेव ने आपसे बताया है? पार्वती जी को ये बात दिल पे लगी और वो सोचने लगी कि ये बात तो नारद जी सही कह रहे हैं। वो महादेव के पास गईं और नाराजगी भरे अंदाज में महादेव से प्रश्न कर बैठी कि आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आपने कभी अपने गले में लटकते मुंडों की माला के संदर्भ में कुछ नहीं बताया। स्वामी, ये कैसा रहस्य है जिसे आप मुझे अब तक नहीं बता पाए? महादेव ने कहा कि हे देवी, आपने कभी पूछा ही नहीं। तो पार्वती ने कहा, स्वामी आप तो बता दीजिए। देवाधिदेव महादेव ने तब पार्वती से कहा, हे प्रिया, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ मैंने ही तुम्हारा वरण किया है और जन्म के अंत के पश्चात तुम्हारी याद में तुम्हारे विभिन्न जन्मों के प्रतीक मुंडों को मैंने धारण किया। ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। भवानी अपने प्रति शिव का इतना गहरा लगाव और ऐसा प्रेम जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे सुखदाई भक्तों के मन भाई, हे सुखदाई भक्तों के मन भाई, हे महामाई मेरी माँ, भोलेनाथ का प्रथम विवाह सती से हुआ। महर्षि दधीचि ने सती को शक्ति होने का ज्ञान कराया था। दधीचि के प्रयास से ही माता जान पाई कि वे कौन हैं, शिव उनके क्या हैं। पुनः ये भूमिका पार्वती की स्मरण शक्ति चले जाने के समय भी दधीचि ने ही निभाई थी। जैसा कि शिव भक्त जानते ही हैं, माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहां एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर अपने जमाता महादेव को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया। आकाश मार्ग से जाते देवताओं को देख माता ने जिज्ञासा कर महादेव से प्रश्न किया कि हे नाथ, सभी देवगण ये कहां जा रहे हैं? तो सदाशिव ने सती को उनके पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ के संबंध में बताया, जिसे जानकर महाशक्ति को पिता के घर जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महादेव ने उन्हें बताया कि दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया है, क्योंकि एक बार प्रयाग के यज्ञ में महाराज दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी ने आसन से उठकर उनका स्वागत किया, पर मुझे अपने आसन से न उठते हुए देखकर उन्होंने अपना अपमान समझा। उसी के प्रतिकार स्वरूप वो यज्ञ का आयोजन कर मुझे नीचा दिखाना व अपमानित करना चाहते हैं, और ऐसे में आपका वहां जाना ठीक नहीं है। पर माता सती बाल हट, योगी हट और स्त्री हट की तरह नहीं मानी और पिता के घर जाने के लिए
चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, समझा व अनुभव किया कि जो महादेव ने यहां आने से पूर्व कैलाश पर बात कही थी वो सही थी। पुत्री के आगमन पर माता तो हर्षित हुई, पर अहंकारी और विवेक शून्य पिता पर इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ा। प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहां आने का कारण? मैं यहां यज्ञ में भाग लेने नहीं, आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूं। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं का यज्ञ भाग देख रही हूं, त्रिभुवनपति भगवान शिव शंकर का यज्ञ भाग क्यों नहीं है? यज्ञ भाग का अधिकारी वही होता है जिसे आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है वे, उनके बिना यज्ञ पवित्र कैसे होगा? जो स्वयं अपवित्र है उसे निमंत्रण देकर हम अपना महायज्ञ अपवित्र नहीं करना चाहते। वेशधारी, तुम्हारे पति शिव को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया है। और उसने महादेव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इन शब्द बाणों ने पुत्री का हृदय छलनी कर दिया। फलतः सती को योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्यागना पड़ा। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। चिंतयति न चापरं ददर्श देहो हत कल्मषः सति। सती का ये जन्म दुखों से ही भरा रहा। पहले श्री राम सीता प्रकरण के कारण पति ने पत्नी का दर्जा छीना, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं प्रभु? आइए अयोध्या लौट चलें, वनवास का समय पूरा हो रहा है। प्रणाम माता। प्रभु भैया ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण तुम भी इन्हें प्रणाम करो, ये तो जगत जननी है जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई है। प्रणाम प्रभु। माँ मुझे क्षमा करना भगवान, मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी, मेरा भ्रम दूर हुआ, इस व्रत से आपको कोई नहीं दिखा सकता। प्रणाम। प्रणाम माँ। और अब पिता ने पुत्री का दर्जा छीन लिया। पर जैसा कि शिव ने कहा कि जब जब तुम्हारा जन्म होता है मैं ही तुम्हें वरण करता हूं, तो आगे की कथा इसी कड़ी से जुड़ती है। माता मेना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। शिव हिमावन राजा के क्षेत्र में ही तपस्या करने लगते हैं और पार्वती शिव की पूजा करने लगी।
देवताओं के आग्रह पर शिव पार्वती की शादी हुई। पार्वती शिव प्रिया बनी, तपस्या सफल हुई। दोनों ने एक दूसरे को पाने हेतु 3000 वर्षों तक तप किया। इस शिव पार्वती मिलन में कामदेव भस्म हुए। रति ने पार्वती को शाप दिया कि आप अपनी कोख से संतान पैदा नहीं कर सकेंगी। ये सब परम्बा की लीला है, अन्यथा शिव शक्ति तो वरदान और श्राप से परे है। यही मां पार्वती जो महादेव की संगिनी बनी, महादेव के साथ शक्ति के पूर्णांश के रूप में रही तथा कालांतर में मां अन्नपूर्णा कहलाई। नित्यानंद गरी वराभय गरी सौंदर्य रत्नागरी निर्दूताखिल घोर पापनिगरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावनगरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षान्देहि कृपावलंबनगरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा अन्न प्रदान कर संसार की भूख मिटाती हैं। माँ के आशीर्वाद से भक्तों के घर अन्न धन की कमी नहीं रहती। इन्हीं की कृपा से संसार को भोजन की प्राप्ति होती है। अन्न के एक दाने के अभाव में भी लोग माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ सभी की सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन से ही भक्त संतुष्ट हो जाते हैं। काशी में जहाँ माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं, अन्नपूर्णा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शक्ति पूजा के समय 9 गौरी यात्रा का विशेष महात्म है। इस अवसर पर देवी के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। पूजा मां अन्नपूर्णा मंदिर में ही संपन्न होती है। मां अन्नपूर्णा अष्ट सिद्धि स्वामिनी के रूप में जानी जाती है। मां के माथे पर अर्धचंद्र है, मां त्रिनेत्री है व चेहरा अत्यंत मनोहारी व आकर्षण युक्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मां भवानी ही मां अन्नपूर्णा है। मां की कृपा से कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता। स्कंद पुराण के अनुसार मां ऊर्जा अन्न धन व शक्ति का स्रोत बनकर अभावग्रस्तों का पालन पोषण करती है। सबकी बिगड़ी बनाती है जगदम्बे भवानी, सबकी बिगड़ी बनाती है जगदम्बे भवानी, मेरी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, मेरी अम्बे भवानी दुखियों को बुलाती है मेरी अम्बे भवानी, सबकी बिगड़ी बनाती है मेरी अम्बे भवानी। त्रिस्थली सेतु में काशी पुराधीश्वरी भगवती अन्नपूर्णा भवानी एवं विशालाक्षी की त्रिमूर्ति का ऐक्य दर्शाया गया है। मां अन्नपूर्णा काशी में है, वही काशी जो धरती पर होते हुए भी धरती पर नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार काशी शंकर के त्रिशूल पर वास करती है। सारी सृष्टि का प्रलय हो जाने के उपरांत भी काशी का प्रलय नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से काशी आत्मा का ही एक स्वरूप है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। मनुष्य के अंतःकरण में जो चैतन्य प्रकाशित होता है, वो चैतन्य यदि स्त्रीलिंग में बोला जाए तो वो काशी कहलाता है। वैसे तो काशी घाटों और मंदिरों का शहर है। वरुणा और असी
दो नदियों के मिलने के कारण इसे वाराणसी तथा ठेठ अंदाज में से पूर्वांचली बनारस कहते हैं, जहां सदा ही रस बना रहता है। ये रस है भक्ति रस, विरक्ति रस, संगीत रस व जीवनानंद रस। सभी रसों का सम्मिश्रण है बनारस। ये शहर हृदय और बुद्धि दोनों को संतुष्ट करता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला यह धार्मिक शहर देश के लगभग सभी रेल मार्गों तथा सड़क मार्गों से जुड़ा है। यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबतपुर हवाई अड्डा है, जहां देश विदेश से आने वाले यात्री मुख्य रूप से बनारस के लिए ही आते हैं। तेरा है सहारा बोले जग सारा, तेरा है सहारा बोले जग सारा, तेरा ही जयकारा मेरी माँ। अपने बिंदास अंदाज और रहन सहन, खान पान, बोल चाल के लिए काशी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहां उतरते ही शरीर में एक अजब सा रोमांच भर जाता है, बेफिक्री सवार हो जाती है। सब कुछ भूलकर लोग बनारसमय हो जाना चाहते हैं। घाटों और मंदिरों के शहर में यहां गंगा तट पर लगभग 80 घाट हैं, जिनमें प्रमुख घाट इस प्रकार है: दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, अहिल्या घाट, दरभंगा घाट आदि। दशाश्वमेध घाट के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे शवदाह संस्कार चलता रहता है। कहते हैं यहां दाह की अग्नि कभी नहीं बुझती। बनारस के घाट पर ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिके थे। अपने कर्तव्य पथ से रंच मात्र भी नहीं डिगने वाले राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनकर हर युग और हर काल में व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। सत्य की ऐसी परीक्षा आज तक इस धरा पर किसी की नहीं हुई जैसी कि राजा हरिश्चंद्र की। बनारस के घाट पर बैठकर गंगा को कभी शांत तो कभी लहरों में लिपटी देखकर एक विशेष अनुभूति होती है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा जी की आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो गंगा सेवा निधि की ओर से प्रायोजित की जाती है। ओम जय गंगे माता, श्री जय
पास मिटा कर परम गति पाता। विदेशियों का पसंदीदा शहर है काशी। इसकी एक एक विशेषता को सैलानी अपने आप में समेट लेना चाहते हैं। जैसे जैसे भारतीय करते हैं, वैसे वैसे उत्सुकतावश ये विदेशी भी उनका अनुकरण करते हैं। कभी कभी इन्हें धार्मिक वस्त्रों को भी धारण किए देखा जा सकता है। बहुतेरे विदेशी बनारस की गलियों में गुरु ग्रहण कर संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। गंगा घाट पर शाम को बैठकर आनंद लेते हैं तथा गंगा से होकर गुजरने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से अपने आप को शांत व सुकून भरा महसूस करते हैं। कितने नाविकों का तो विदेशी युवतियों से विवाह तक हो जाता है। कुछ नाविक अंग्रेजी भाषा बोलने में कुशल हैं तथा ये अपनी नाव में विदेशी यात्रियों को सैर कराते कराते उनसे अच्छा संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि यहां आने वाला विदेशी यात्री सिर्फ बनारस घूमकर चला नहीं जाता, बल्कि कुछ दिनों तक यहीं रहकर भरपूर आनंद लेता है। ऐसा पूरब के ऐसे आध्यात्मिक स्थानों पर ही संभव है, ना कि पश्चिम के पाश्चात्य और भाग दौड़ की जिंदगी में। अतः जिंदगी है तो काशी में, जिंदगी के मायने हैं तो केवल काशी में। काशी को भारत की धार्मिक राजधानी भी कहते हैं। काशी स्थित मंदिरों में प्रमुख है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। काशी की व्यस्ततम गलियों में एक विश्वनाथ गली से होकर बाबा के दर्शन को जाया जाता है, जहां चाक चौबंद सुरक्षा के बीच हर हर महादेव का जय घोष करते हुए लोग बाबा के दर्शन करते हैं। नमामि शमि शान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञान द्योतितमीशं गिरीशम् काशी की आधी आबादी तिलक चंदन लगाए हुए दिखती है, जो ये दर्शाता है कि श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके आ रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटी एक मस्जिद भी है, जो कभी बिंदु माधव का मंदिर था, जिसे औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अब ये बिंदु माधव के धरहरे के नाम से जाना जाता है। काशी में स्वयं शंकराचार्य द्वारा स्थापित तिल भांडेश्वर मंदिर है, जिसकी ऊंचाई प्रतिदिन एक तिल के बराबर बढ़ जाती है। Thank you.
मंदिर के निकट आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी है। कहते हैं काशी आने वाले को काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का दर्शन अनिवार्य होता है। बाबा विश्वनाथ ने इन्हें अपना द्वारपाल नियुक्त किया है। संकट मोचन हर बंधन को काटकर भक्तों को संकट से बचाने वाले श्री हनुमान जी का स्थान है ये। संकट मोचन मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है इस संकट मोचन मंदिर में। माल समय रवि भक्त लियो तब तीनहुं लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को ये संकट काहु सो जात न टारो देवन आने करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार बिचारो कदिज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस ये बैन उच्चारो जीवत ना बची हो हम सोजु बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी है जिसे नए विश्वनाथ जी के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारत का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां चिकित्सा विज्ञान से लेकर संगीत तक की उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है। BHU पूर्वांचल का गौरव है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऐसे विश्वविद्यालय की सृष्टि की जो किसी न किसी अर्थ में प्राची का और प्रतीची का संगम स्थल बन सके, यहाँ दोनों ही विद्याओं की धाराएं मिल सकें। मुझे लगता है कमोबेश काशी अपने इस स्वरूप का निर्वाह आज भी करती है। बनारस बनारसी साड़ियों के लिए भी विश्वविख्यात है।
यहाँ की सोने और चांदी की जरी से बनी साड़ियां देश विदेश में मशहूर हैं। एक साड़ी बनाने में पहले तो ये सब जो जोड़ देख रहे हैं आपने जी, ये होता है तानी जोड़ते हैं, कलर बदलते हैं, तब उसके बाद चालू होती है। जहाँ से चालू होती है एक काम करने वाला कारीगर और दूसरा लड़का जो देख रहे हैं, ये दो आदमी मिलकर इसको तैयार करता है तो कम से कम एक हफ्ता। मानस मंदिर देखने वालों की आंखें ये देखकर आश्चर्य करती हैं कि तुलसी कृत रामचरित मानस की सभी चौपाइयां इन दीवारों पर ही अंकित हैं। इसमें बाबा तुलसी बैठकर मानस पाठ कर रहे हैं तथा राम और सीता की झांकियां यहां प्रस्तुत हैं। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। काशी में बाबा किनाराम का आश्रम है जो अघोर पंथ के अनुयायी थे। यहाँ अनवरत धुनी जलती रहती है जिसकी पूजा केवल अघोरी ही कर सकते हैं, बाकी श्रद्धालु दूर से ही दर्शन करते हैं। पहले अवधूत भगवान राम यहाँ के पीठाधीश थे तथा वर्तमान में श्री बाबा गौतम जी हैं। काशी में शांति है, ज्ञान है, गुरु है, जिसे जिसकी तलाश है वो उसे यहां प्राप्त हो जाता है। काशी में मां शीतला हैं, मां दुर्गा हैं, मां विशालाक्षी हैं तथा मां अन्नपूर्णा हैं। पावन कार्तिक मास में यहाँ धार्मिक आयोजनों की गहमा गहमी शुरू हो जाती है। झोली भरी खाली हे भक्तों की रखवाली, 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 जग से निराली मेरी माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। गंगा सेवा निधि की ओर से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती तथा देव दीपावली का आयोजन होता है। तीन दिवसीय कार्यक्रम में धनतेरस के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माँ को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। माँ के समक्ष अन्न का भंडार होता है। माँ की दी हुई वस्तु ही माँ अन्नपूर्णा की सेवा में प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि भक्तों के पास तो जो कुछ भी है वो माँ का ही तो दिया है। विश्वनाथ मंदिर में बने लड्डुओं का मंदिर सबसे आकर्षण का केंद्र होता है। वर्ष में केवल एक बार ही मां अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। इस एक दिन के दर्शन में ही महामाया अपने भक्तों के एक वर्ष सुधार देती हैं। वर्ष भर मां अन्नपूर्णा के भक्तों का घर अन्न धन से भरा रहता है। मां से प्राप्त हुई सुख शांति ऐश्वर्य को भोगता हुआ भक्त पुनः मां के दर्शन की प्रतीक्षा में रहता है। Thank you.
तेरा दर बन गया मुकद्दर, छोड़ू ना तेरा दर बन गया मुकद्दर। आया जो जुबां पर मेरी माँ, इस अन्नपूर्णा धाम काशी में मां की कृपा से खाने पीने की हर वस्तु उपलब्ध है। बनारस के पान से लेकर चाट कचौड़ी, जलेबियां तक अपने आप में लजीज व प्रसिद्ध हैं। बनारस बॉलीवुड का भी पसंदीदा शहर रहा है। यहां कई फिल्मों का फिल्मांकन किया गया है। मां अन्नपूर्णा की नगरी में हर साल शीतला घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक का रस बरसता है। करिला आवाहना के कंठ में समाजा मोरा, फेर आज हमारा पर फेरी दा नजरिया, करित दया के आज फेरे ही सब हवा में मथवा बनाई जाए हमरे पगरिया। नाम अलग अलग बा, रूप अलग अलग बा, लेकिन सर्वशक्तिमान आदि शक्ति मैया एगो होली, चाहे जौना रूप में होकस। एगो भक्त बड़े कहा तरे, देवी के मंदिरवा विशाल हो, देवी के मंदिरवा विशाल लाल झंडा लहरीला, देवी के मंदिरवा विशाल लाल झंडा लहरे, देवी के मंदिरवा विशाल लाल झंडा लहरीला, सुनर चंदनिया बलाल लाल झंडा लहरीला। अन्नपूर्णा का दर्शन मंगलमय, कल्याणकारी व भक्ति प्रदान करने वाला है। Yeah.
ज्ञान युक्त बुद्धि से भक्ति व भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है, जो मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही संभव है। जिसने मां को साथ लिया उसका सब सदकया। हे अन्नपूर्णा मां, तेरी सदा ही जय हो। हे कल्याणी, हे शिव पट रानी, हे कल्याणी, हे शिव पट रानी, आदि भवानी मेरी मां।